करीम साहब, ये दिन आ ही गया आखिर। कुछ ना पूछो दुरुख, मेरी क्या हालत हो रही ये मैं ही जानता हूँ। देखो मेरे पाँव भी थर थर काँप रहे हैं। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यार ट्वेल्थ की पार्टी अटेंड करने आया हूँ बस। और असली कभी राजी क्या है पार्टी में जाने के लिए? वैसे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें करीम, जैसे आज रिजल्ट आ रहा हो हमारा? वाह क्या बात है, आखिर आपने भी अपने लिए सोच ही लिया है। ऐसा कुछ नहीं है यार, असली सीधी सी लड़की है और किसी को तो साथ लाना था ना। अरे मैं तो फूल लाना भूल ही गया, अब क्या करूं मैं? कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। यहीं रुको, आता हूं मैं। वैसे कितने लोग गिराए तुमने रास्ते में? असल में मैंने कभी पलट कर देखा ही नहीं, वैसे गिरे तो यकीनन बहुत सारे होंगे, लेकिन जिसे गिरना चाहिए था वो तो मेरे सामने ठीक ठाक खड़ा है। नहीं यार, असली बात यह है कि इस खूबसूरती को सलाम पेश करते हुए मैं ये छोटा सा फूल हाजिर करता हूँ तुम्हारी खिदमत में। दुरुग तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। एपेक डियर, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आज बहुत अहम दिन है हमारी जिंदगी का। तुम्हारी एक हाँ और एक ना से मेरी जिंदगी तब्दील हो सकती है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। करीम तुम तो बहुत केयरिंग हो, तुम्हें 5 पॉइंट्स दे रही हूँ, अब खुश हो तुम? अच्छा तो हम जा रहे हैं, खुदा हाफिज। यार दुरुग मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ किसी पार्टी में, बहुत मजा आएगा। यार एक छोटा सा मसला हो गया है असली। क्या? मेरे बालों में कोई मसला है क्या, या मेरे दांतों में कुछ लगा हुआ है? देखो यार ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा है कि मैं नॉर्मल तरीके से ड्राइविंग नहीं कर सकता क्योंकि मैं 100 से ऊपर ड्राइव करता हूँ। उससे भी तेज चलाना दुरुग, क्योंकि नॉर्मल स्पीड में कोई थ्रिल नहीं। और सनग्लासेस? जबरदस्त।